चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन आपके पास है क्लासिफिकेशन का, बना है क्वेश्चन, ये क्या आंसर लगाया जी आपने? चार नंबर, चार नंबर लगाया, कैसे जी? रुकिए 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 रुकिए। हाँ जी चलिए क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित समूह में कौन सा एक भिन्न है? तो भिन्न कौन सा आपको ये बताना है। इसमें लिखा हुआ 275, तो 275 क्या किया गया है? 2 प्लस 7, 9 और 5 कितना? चेंज किए जी। पहला अच्छा, पहला और अंतिम को जोड़े हैं, हम समझे वो किए हैं। 2 प्लस 5 को जोड़ दिए कितना? 7। 4 प्लस 1 को जोड़ दिए कितना? तो 5। यहाँ पर 2 और 7 को जोड़ दिए कितना? 9। यहाँ पर 2 और 4 को जोड़ देंगे कितना? तो 6। लेकिन लिखा हुआ क्या चीज? 5। इसीलिए जो है ये 4 नंबर ऑप्शन इन सभी से क्या है? अलग है। आपने बनाए थे जी, बनाए थे। फिर से बोलिए। ग्यारह से विभाजित है कौन सा? तीनों 7, 2, 9, 5, 14, 11, 2 का 22, 5, 55, ठीक है। 11, 6 का 44, ठीक है। और ये 11, 2 का 22, 770, ठीक है। 11, 2 का 22, यहाँ पे 34 है, तो वही कहाँ विभाजित? अच्छा, 11 से विभाजित है, सभी 11 से विभाजित है, 254 11 से विभाजित नहीं है, यही ना? चलिए आंसर 254, ठीक है। अब आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? दूसरा नंबर देखिए, इसको बनाए जी। 2 है और 10 है, यहां पर क्या किया गया? गुने 5, यहाँ पर गुने 4, यहाँ पर गुने 3, यहाँ पर गुने 2, और यहाँ पर करेंगे गुने 1, तो ये हो गया 240। 240 गुने 1 बराबर कितना? 240। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 नंबर। नहीं है यार, मतलब बचपन में खुद कृष्ण भगवान बनाइए, अब बड़ा होने के बाद जब कृष्ण लीला शुरू करे तो फिर माँ बाप को दिक्कत। कृष्ण भगवान वाला ड्रेस, राधा वाला ड्रेस पहना पहना के लेकर के जा रहे हैं। तो कृष्ण भगवान बना करके और राधा जी बना करके लेकर के जा रहे हैं, बड़ा बढ़िया बात है। दिक्कत तो तब हो जाता है जब वही बच्चा कल बड़ा होगा, कृष्ण भगवान वाला गुण ला करके यदि गोपियों के बीच चला गया तो वही जो है फिर माँ पिता जी लाठी लेके दौड़ने लगता है। मतलब बचपन में खुद कृष्ण भगवान बनाइए, अब बड़ा होने के बाद जब कृष्ण लीला शुरू करे तो फिर माँ बाप को दिक्कत। गायक चौथा गायक है वो, सही हंसते हैं ये लोग। नहीं गाया है नहीं, वो भोजपुरी में गाना लगाता है, यूट्यूब पर चलता है उसका गाना। हाँ जी हमको भेजते रहा। हाँ जी हमको पता। चलो कि आज आने जिस दिन आएगा ना उस दिन आप लोग भी उसको बोलेंगे, सब बोलेंगे। हाँ जी काहे नहीं, कहिए। स्टेज शो सब भी करता है। हाँ अच्छा, किस दिन समय रहेगा ना गाना गवा लेंगे। चलिए आइए आप। 4 फरवरी 2004 को सोमवार था, 4 फरवरी 2004 दिन कौन सा था? सोमवार।
इसी वर्ष 1 जनवरी को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 2004 इसी वर्ष ने बोला है, 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था ये आपको बताना है। तो चलिए इसमें देखते हैं, सबसे पहला चीज कोड तो सबको पता है जी, जनवरी का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। 12 का स्क्वायर हो जाएगा क्या चीज, 144, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर और लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है ये, 5 का स्क्वायर 025 हो जाता है, 6 का स्क्वायर 036 हो जाता है, शुरू में 12 का स्क्वायर है, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है। वहीं पर जो है जनवरी और फरवरी में लीप वर्ष में जो है एक एक दिन क्या होता है, घट जाता है। लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घट जाता है, यानी कि एक के जगह पर हो जाता है जनवरी में एक का कोड हो जाता है 0 और फरवरी में 4 का कोड क्या हो जाता है, तो 3, ठीक है, क्लियर सबका। आगे बढ़े, अब हमारे पास यहाँ पे क्या चीज, वो देखिए फरवरी का कोड बताइए कितना, फरवरी का कोड कितना देखिए, तो बोलिए कम से कम 3 है ना, 2004 लीप वर्ष ना है, 3 होगा तो 3 लिखिए, और जनवरी का कोड कितना, 0, 4 में क्या करेंगे एक प्राप्त होगा, माइनस 1 माइनस 3, 3 में क्या करेंगे 0 प्राप्त होगा, माइनस 3, माइनस 3 और माइनस 3 कितना, माइनस 6। अब आप यहाँ पर माइनस 6 करिए या प्लस 1 करिए आपका मन, सोमवार और एक कितना मंगलवार, आंसर हो जाएगा इसका मंगलवार। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो गया मंगलवार, ऑप्शन 4 नंबर, ठीक है सर का, कोई डाउट नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 के बाद 4 नंबर लिख लीजिए, जिनको जिनको लिखना जल्दी लिखिए। हटा दें, हटाना ही था ना, फिर पूरा लिखना पड़ेगा, अभी सब पूछ रहे हैं, मिटाने के बाद बाबू कोई ऑप्शन ही नहीं, बोलिए समझा देते हैं जो बोल रहा है। माइनस 3 था, हटाने के बाद 4 में सही कटेगा, तो माइनस 3, माइनस 3 यहाँ 4 फरवरी, हाँ आगे चार फरवरी, 1 जनवरी, ये जो बाबू हुआ माइनस 3, बोलिए क्या बोलते, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 0, माइनस 3, हाँ माइनस 3 कैसे कर दो, ये सही सवाल। चार फरवरी में, चार में आप क्या करिएगा जब आपको 3 प्राप्त हो, 1 प्राप्त होगा, चार में ऐसा क्या कीजिएगा जो कि 1 प्राप्त होगा, जल्दी बोलिए, माइनस 3, माइनस 3 करेंगे ना, माइनस 3 मैंने किया, 3 में हम क्या करेंगे, हमको 0 प्राप्त होगा, 3 करेंगे, माइनस 3 करेंगे, माइनस 3 किया, माइनस 3 माइनस 3 कितना, माइनस 6, आप यहाँ पर आप माइनस 6 करिए, या नहीं तो जानते हैं क्या करना है, 7 पुराना होता है तो प्लस 7 प्लस 1 कर दीजिए, सोमवार 1 मंगलवार, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन
ठीक है, कोशिश यही मेरा रहेगा मिटाने से पहले बाबू कहा के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चार क्या है देखिए ध्यान से। एल यू टी और ई, एम यू टी, एम यू टी और ई, ई और ये की जैसा, टी टी वही, यू यू वही, लेकिन एल और एम में क्या हुआ, प्लस वन हुआ, बाद बाकी सब में प्लस जीरो का ये माइनस जीरो का जो काना है, यहाँ प्लस वन हुआ, जी में एक जोड़ दीजिए क्या होगा, एच, तो यहाँ इसका है नहीं, तो हमको क्या करना, बी में एक जोड़ना है, बी में एक जोड़ेंगे क्या होगा, तो सी होगा, नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो गया आंसर, ऑप्शन एक नंबर, क्लियर। आगे बढ़े, क्या गप कर रहे पीछे वाला जी, सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनिए, बनाए क्वेश्चन को, क्या आंसर लगा है, शुक्रवार लगा है, सब नहीं लगाए आप जी, कहा है जी, नहीं समझ में आपको, देखिए क्या लिखा है, जनवरी और यहां पर नवंबर, जनवरी में एक महीना पीछे जाइए तो दिसंबर, फिर एक महीना पीछे जाइए तो नवंबर, यानी कि जनवरी से नवंबर जाने के लिए दो महीना पीछे जाना पड़ेगा, उसी प्रकार से रविवार को सेम वही पैटर्न अपनाइए, तो दो दिन पीछे जाइए क्योंकि यह दिन है वो महीना, तो दो दिन पीछे जाइएगा क्या होगा, शनिवार, उसके बाद शुक्रवार, आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन नंबर, शुक्रवार, कोई दिक्कत नहीं, गायक था कहा जी, अच्छा इन लोग को बताया नहीं है, एक तो गाना गाता है, प्रचार कर दे रहे हैं अच्छा गाना गाता है जी, यहाँ पर कायल कब आएंगे, अच्छा बाद में देखते हैं, ठीक है, आप इस सब्सक्राइब कर ले सब उसका चैनल को, हम अपने कर रहे हैं, किनको हम तो जानते हैं ना, हम गाय गाय कैसे करते हैं उसको, ठीक है, आज ही आज नहीं, आज देखते समय बचेगा तो ठीक है ना, तो कल जरूर, ठीक कल नहीं सोमवार, ठीक है, अपना चैनल का नाम बता देना सबको, सब सब्सक्राइब कर लेंगे, अरे जी चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर छह क्या लिख रहा है देखिए इसमें, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इधर है बाबू दाएं और इस साइड में है बाबू बाएं, क्या लिख रहा है देखिए इसमें, दीपक ने पूरब की ओर चलना आरंभ किया, दीपक जो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, पूरब दिशा में वो चलना शुरू किया, ठीक है, 75 मीटर चलने के बाद, तो वो चला यहाँ पर कितना 75 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है, वो मुड़ गया किधर, तो बाएं, बाएं मुड़ गया इधर, और 25 मीटर चलता, फिर इधर क्या किया वो 25 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता, फिर यहां से बाएं मुड़ता और कितना चलता है 40 मीटर, फिर से बाएं मुड़कर 25, फिर यहां बाएं मुड़कर और कितना चलता है 25 मीटर, आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर, अब आपको बताना है वो प्रारंभ से यानी कि आरंभ से वो कितना दूरी पर है, अपोजिट डायरेक्शन क्या करेंगे, हटाएंगे 25 25 को घटा दिए, नॉर्थ और साउथ अपोजिट, ईस्ट और वेस्ट अपोजिट, 25 25 का खत्म, 75 और 40 को खत्म कर दीजिए, घटा दीजिए, क्या बचेगा यहाँ 35 35 नहीं बचेगा जी, 75 में से जो 40 घटेगा तो 35 से ना बचेगा, यहाँ पर हो गया बाबू कितना 35, आंसर हो जाएगा पूरब दिशा में 35 मीटर के दूरी पर अब वह है, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्लियर, कहने का मतलब साउथ होना चाहिए, साउथ में उसका जो है ना 40 रुका था, 40 रुका था ना, 40 40 कोई बात नहीं, देखिए देखिए जो बता ध्यान से समझिएगा, यात्रा करते करते
यात्रा करते करते जिस दिशा के सामने जाकर के रुक जाता है, दिशा में रुकता है, यात्रा करते करते जिस दिशा के सामने रुकता है उस दिशा में उसका चेहरा होता है। ठीक है, मान लीजिए हम कहीं से आए, यहाँ से हम 7-8 किलोमीटर दूर रहते, तो वहां से आए दाएं घूमे, बाएं घूमे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसे भी आए, अभी आपके सामने हम यहाँ चेहरा करके खड़े हो गए, तो मेरा चेहरा अभी इस दिशा में है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें, सोचे अगर कि हम जहां से चले थे वहां से किस दिशा में है, तो हम बाबू ऐसे है, कोना कोनी। ठीक है, हवाई दूरी निकालना पड़ता है ऐसे में। अगर मान लीजिए सीढ़ी के पास से आप देख लेते हैं, नजदीके में चढ़ गए, ऊपर आए, घूमे, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे हुए, फिर बेंच के पास ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे हुए, तब जाके ऊपर चढ़े हैं, तब फिर ऐसे आए, तब न यहाँ पे खड़े हुए। तो चेहरा तो इस दिशा में है, लेकिन सीढ़ी का स्टार्टिंग वहां पर है, तो देख लीजिए ये कोना हो जाता है ना फिर। ठीक है, यहां से बोर्ड के, यहां से लेते हैं पोडियम के पास से, तो ऐसे हो जाता है। क्लियर, समझ में आया? तो ये हुआ क्या चीज, चलते चलते जिस दिशा के सामने रुक गया, हुआ है 40, हुआ है पश्चिम दक्षिण जो भी था, क्या था 25 था, यानी कि यहाँ दक्षिण दिशा में था, तो दक्षिण दिशा में उसका चेहरा है। अगर प्रश्न पूछता कि व्यक्ति का, दीपक का चेहरा किस दिशा की ओर है, तो दक्षिण दिशा में चेहरा है, लेकिन आरंभिक स्थान से वह किस दिशा में है, तब घटाने उठाने के बाद जो बचता है, जिस दिशा में बचेगा उस दिशा में। अगर सर दो दो ठो दिशा में संख्या बच जाए, ठीक है, जैसे कि अपोजिट डायरेक्शन घटाते, नॉर्थ और साउथ घटा दिए, तो दोनों 25 था, 25 था घटा दिए, खत्म हो गया। ईस्ट और वेस्ट को घटाए तो 75, 40 का तो बच गया यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर 25 के बदले रहता 45, मान लीजिए तो 25 के जगह रहता 45, तो यहाँ 25 और 45 घटाते तो यहाँ 20 बचता नहीं। अब जो हुआ, तो ये अपोजिट डायरेक्शन घटाते, नॉर्थ और साउथ घटाएंगे, ईस्ट और वेस्ट घटाएंगे, अपोजिट तो घटा दिए, सेम डायरेक्शन रहता उसको जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ तो बगल में ना हो गया, नॉर्थ और ईस्ट तो बगल में ना है, अब क्या करेंगे, तो दूरी निकालने के लिए इसका कर्ण निकालते हैं। दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका कर्ण निकालते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, दूरी निकालने के लिए इसका कर्ण निकालते हैं, और क्या बचा, दिशा के लिए जिस जिस दिशा में है, यानी कि नॉर्थ में और ईस्ट में, जिस जिस दिशा में है उस दिशा में व्यक्ति आरंभिक स्थान से होगा, यानी कि प्रारंभ से होगा। क्लियर, और कुछ इसमें बोलना किसी को, खत्म, आगे बढ़े, इसमें लिखने के लिए बच्चा है जी, लिख पाइएगा? हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल बनाइए इसको, बोला गलत संख्या कौन सा आपको बताइए, तो यहाँ पर 3 है और उसके बाद 8 है, तो 3 में क्या किए, 5 जोड़े, 8 में क्या किए, 7 जोड़े, 7 ऐड किए, यहाँ पर बाबू 9 ऐड किए, तो 5 जोड़े, 7 जोड़े, 9 जोड़े, तो इस बार 11 जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे हो जाएगा 35, 11 में फिर जोड़ेंगे 13, सॉरी 35 में जोड़ेंगे 13 हो जाएगा 48, और यहाँ पर जोड़ेंगे 15 हो जाएगा 63, यानी कि 34 जो है वो क्या है, गलत संख्या है, 34 के स्थान पर क्या होना चाहिए था, 35 होना चाहिए था। क्लियर सबका, आगे बढ़े, मिटा दें।
तो जी टेस्ट देने के बाद भाग जाता है, बैच में काहे नहीं आता है? हाँ क्या बोले थे उस दिन की रैंकिंग शुरू करेंगे बैच में, तो रैंकिंग शुरू किया था, आया काहे नहीं? क्या होता है क्या बोले ऑनलाइन वाला थोड़ा जो क्लास में सबका पैसा दिया वो मैं तो कम से कम ना ना ठीक है तो एग्जाम के बाद पर चलिए देखिए सात है और सत्रह है ना जी, गुना दो किए और प्लस तीन, सत्रह त्री का इक्यावन गुना तीन प्लस तीन गुना चार, देखिए गुना दो गुना तीन गुना चार, तीन जोड़े तो यहाँ पर भी प्लस थ्री करिए, उसके बाद गुने पांच प्लस थ्री, गुने छ प्लस थ्री, ठीक है तो बस यही अपना ही आपका आंसर हो जाएगा क्या चीज चौवन है, पांच चौका बीस दो सौ, सोलह तीन उन्नीस दो सौ उन्नीस, ऑप्शन हो जाएगा इसका चार नंबर, ठीक है सबका क्वेश्चन है बाबू। इसके बाद नाइन नंबर, नाइन में देखिए क्या पचपन है और एक सौ नौ बनाए जी, ये पचपन गुना दो कर दीजिए माइनस, पचपन गुना दो कर दिए एक सौ दस और माइनस एक कर दिए एक सौ नौ, एक सौ नौ गुना दो कर दीजिए कितना दो सौ अठारह, दो सौ अठारह में घटा दीजिएगा दो सौ सत्रह, 217 में क्या करिए दो से गुना करिए हो गया 434, 434 में घटा दीजिए कितना 433, यही सिचुएशन अपनाइए आपका आंसर हो जाएगा क्या चीज 217 ऑप्शन तीन नंबर, ठीक है क्लियर है सबका, आगे बढ़े मिटा देना जी। 10 नंबर सवाल 19 है, उन्नीस गुना दो कर दिए कितना हो गया 38, अब यहां पर देखिए 228 है, 28 त्रि का 84 ना होता है क्या, यहां पर तो गुना दो किए, यहां पर हमको गुना कितना करना पड़ रहा है तीन, और यहां पर अगर हम गुना तीन कर देते हैं 38 गुना तीन तो कितना हो जाएगा 114 114, 114 गुना दो कर देंगे तो कितना हो जाएगा 228, अब फिर यहाँ पर क्या कर देंगे आप गुना दो, यानी कि एक बार जो है बाबू गुना दो किया गया और एक बार गुना तीन किया गया, फिर एक बार गुने टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री, क्लियर समझ में आ गया, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर है बुआ 11, देखिए इसमें क्या लिखा है, कोई कॉर्नर साइड नहीं है, कॉर्नर जो है वो क्या नहीं है साइड नहीं है, सभी साइड एंड्स है, सारे के सारे जो साइड है वो क्या है एंड्स है, तो नंबर एक है कोई एंड्स कॉर्नर नहीं है, एंड्स जो है बाबू हुआ देखिए तो कॉर्नर है क्या नहीं है, कोई एंड्स कॉर्नर नहीं है तो सही की गलत सही हो गया, कोई दिक्कत इसमें, लेकिन ये तो गलत होना चाहिए एक मिनट, चलिए कोई कॉर्नर साइड नहीं, कोई अच्छा कॉर्नर और साइड ना हो रहा है जी, कॉर्नर और साइड को मिक्स नहीं करना है, ठीक है यहां पर अगर एंड्स को चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं और साइड और एंड्स को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि तो प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला कि साइड जो है वो कॉर्नर नहीं होगा, साइड जो है वो क्या होगा कॉर्नर नहीं होगा,
एल्स तो हो ही सकता है, एल्स तो हो ही सकता है, एक में देखे तो हो रहा है और एक में देखे तो नहीं हो रहा है। तो प्रश्न में कोई एड्स कॉर्नर नहीं है, ये तो क्या हो जाएगा, एक से सही एक से गलत, तो आंसर गलत। दूसरा है सभी एड्स साइड है, सभी एड्स जो क्या साइड के अंदर है, इधर से भी गलत और इधर से भी क्या गलत, दोनों ही साइड से या निष्कर्ष क्या है गलत है। क्लियर सबका, मिटा दें। आंसर का तीन नंबर सी ऑप्शन, यदि ना तो निष्कर्ष है ना ही निष्कर्ष दो सत्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 12, देखिए इसमें क्या लिख रहा है, सभी क्वेश्चंस आंसर्स है, सभी आंसर्स रिप्लाईज है, सभी आंसर रिप्लाई है, सभी रिप्लाईज इंक्वायरीज है, और सभी रिप्लाई जो है वो क्या है इंक्वायरी है। अब आप देखिए यहां पर क्या लिख रहा है, सभी आंसर इंक्वायरी है, सभी आंसर जो है वो इंक्वायरी, सभी आंसर जो इंक्वायरी के अंदर है कि नहीं है, है तो सही कि गलत, सही हो गया। सभी रिप्लाई क्वेश्चन है, सारा का सारा जो रिप्लाई है वो क्वेश्चन के अंदर है क्या, देखे तो सारा का सारा रिप्लाई तो क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन रिप्लाई के अंदर है, इसका कुछ भाग यहाँ पर है, सारा का सारा भाग तो नहीं है, इसलिए ये क्या है गलत है। तो पहला वाला सही और दूसरा वाला क्या गलत। क्लियर, सभी उपग्रह तारे, तारे के सारे उपग्रह क्या है तारे हैं, सभी उपग्रह तारा है, कोई तारा चंद्रमा नहीं है, तारा का कोई भी भाग जो है वो क्या चंद्रमा नहीं है, तो तारा जो है वो बाबू चंद्रमा नहीं है, तारा चंद्रमा नहीं। तो अब निष्कर्ष, कुछ चंद्रमा उपग्रह है, चंद्रमा उपग्रह होगा कभी भी, सही कि गलत, पहला निष्कर्ष गलत, कोई उपग्रह चंद्रमा नहीं है, उपग्रह जो है वह चंद्रमा नहीं है, तो बात ये सही बोला कि गलत बोला, सही बोला। अब आप इसमें देख लीजिए एक चीज, इसको हटा दें, देखिए चंद्रमा, चंद्रमा उपग्रह, उपग्रह पॉजिटिव निगेटिव, आयदर का हम आपको तीन नियम जो बताते हैं, जब भी आयदर बनाते हैं तो उसमें बताते हैं ना, दोनों का दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैच होना चाहिए, मैच कर गया, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए था, मैच भी कर गया, और दोनों का दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, क्या इसमें गलत हुआ था, क्या ये आयदर होगा नहीं ना। इस प्रकार का भी कभी कभी आपके सामने कंफ्यूजन भरा सवाल आ सकता है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से रखें। क्लियर, इसका आंसर क्या है, पहला वाला गलत और दूसरा वाला क्या है सही है। अगर इसमें दोनों का दोनों गलत हो जाता तब हमारा निष्कर्ष हो जाता आयदर का, यानी कि या तो पहला या तो दूसरा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, देखिए मजेदार क्वेश्चन, इस का कोड क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको एग्जाम में, हम तो बहुआ स्क्रीन पर कलम चलाते हैं, हम क्या आपको हम नहीं चलाने बोल रहे हैं, हाँ जी वही बोल रहे हैं, हम एग्जाम में आपको नहीं चलाना है, ठीक है चला देते हैं, कुछ कहता होता नहीं है, मना किया था, जेल पेन रखिए, अच्छा वही कलम वही देता है, कितना अच्छा सुविधा है जी, कम से कम कलम उलम भी देता है, कागज हमारा जब ऑनलाइन एग्जाम जब शुरू हुआ था कम देता तो है, इतना बचा बचा तो है कि नहीं है, हम भी देते, हम भी जब
शुरुआत जब हुआ था ना तो उस समय हम भी दिए थे एग्जाम ऑनलाइन। एग्जाम जब दिए थे तो कलम पेंसिल सब लेके जाना पड़ता था, कागज वहीं पर देता था। आप लोग में देखिए चोर चौहार सब इतना भर गया है, ठीक है, हवाई चप्पल में भी एग्जाम देने नहीं जाने देता है। उसके बाद जो है वो क्या बोलते हैं कलम उलम भी आपको दे देता है किस डर से। इस बार तो एक ठो जो देखे मास्क में छुपाए हुए था, पेपर में छपा हुआ था, चप्पल को काट करके उसके अंदर मोबाइल फिट कर रहे हुए था, सब पेपर में दिया हुआ, ठीक है, जैसे जूता है ना, जूता का सोल कवार के उसके अंदर मोबाइल फिट, फिर सोल चिपका दिया, ठीक है। आइए फिलहाल यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे कि इस प्रकार का क्वेश्चन तो लिखे बिना तो मानिएगा नहीं, क्या बिना लिखे तो क्वेश्चन बनना नहीं है। चलिए कोशिश करते हैं कि बिना लिखे क्वेश्चन बने। प्रश्न में क्या लिख रहा है, ईज का कोड क्या होगा। अब आप यहाँ पर फुल फोकस करेंगे कहाँ पर, ईज कहाँ है, नहीं है, और यहाँ है, और कहीं है क्या, इस दोनों में देखे तो और भी कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। इसका मतलब कि दोनों में क्या कॉमन मिला, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ये तो इजी था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक चीज हमको पता चल गया, इज का कोड है एफ आई। इसके बाद दूसरा इसका क्वेश्चन चला गया था सी को, एस एच ई, सी का कोड क्या होगा आपको ये बताना। तो चलिए सी का कोड देखते हैं, सी तो यही लिखा हुआ है, और कहां पर है सी लिखा हुआ, और कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो सी जब और कहीं नहीं है तो उसका कोड तो इसी तीनों में से होगा ना, इसी तीनों में एफ आई तो होगा नहीं, आंसर होगा एस ए और एच ओ। ऐसे यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर, तो सी एस एच ई, सी का कोड कभी भी ऐसे होगा, यानी कि सी का कोड क्या हो, सी का कोड हो जाएगा क्या जी, एच ओ। चलिए आगे बढ़िए थोड़ा सा, 15 नंबर में एच ओ आंसर लगा दीजिए इसका, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन है इसमें, एस ए का कोड क्या, एस ए के लिए क्या कोड है आपको ये बताना। आप ऐसे कहा है जी, यहाँ पर, और ऐसे के लिए क्या है, तो बस आपका आंसर हो गया, क्लियर, आंसर टिक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा सबको, आगे बढ़ जाए। लिख रहा है इसमें पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू, उत्तर की ओर मुंह करके सीधी पंक्ति बैठे, जरूरी नहीं किसी क्रम में, ठीक है, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू, ये है बाबू बाया, बाया हाथ उसका तो बाएं लिख दिए, और ये इधर है दाहिना हाथ तो क्या लिख दिए, दाएं। आर डब्ल्यू के बाएं को तीसरे स्थान पर, आर जो है डब्ल्यू के बाएं को पहला दूसरा तीसरे स्थान पर, ठीक। इसके बाद ना तो आर ना ही डब्ल्यू पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है, यानी कि आर और डब्ल्यू इस जगह पे नहीं बैठ सकता है। चलिए भी अच्छा है, आर और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, आर डैश टी, आर डैश टी, ये दो सिचुएशन, आर और टी के बीच दो व्यक्ति बैठा हुआ, आर और टी के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ। अब देखिए अगर ऐसा सिचुएशन होता है ये वाला, तो हम यहाँ पर डब्ल्यू दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, दे सकते हैं, और यदि ऐसा सिचुएशन होता है तो यहाँ पर दो को डैश, तब यहाँ डब्ल्यू हम देंगे, क्या कोई दिक्कत। अब क्या लिखा, एस आर या डब्ल्यू के बगल में नहीं बैठा, एस जो है ना तो आर के बगल में बैठा ना ही डब्ल्यू के बगल में बैठा, बहुत जगह है, बहुत सारा चीज, अभी छोड़िए तो अभी वैसे भी नहीं बैठा तो उसको हम बैठा करके वहां क्या कर लेंगे, तो बोलना हम नहीं बैठेंगे। टी व पी के बीच में दो लोग बैठे, टी व पी के बीच में दो लोग, टी
डैश डैश और पी, टी डैश डैश और पी, टी व पी के बीच में दो लोग बैठे हैं, अगर टी यहाँ पर बैठा होता डैश डैश यहाँ पर कौन तब पी हो जाएगा, टी व पी के बीच में दो लोग, ठीक है। तो अगर यहाँ पर टी बैठा हुआ है तो टी डैश डैश यहाँ पर पी भी हो सकता है, नहीं हो सकता, हो जाएगा। रहा बात की सर आप खाली इधर का ही सोच रहे, इधर भी तो हो सकता है क्या, तो चलिए हम इसी का डुप्लीकेट एक और इमेज बना लेते, आर डैश डैश यहाँ पर डब, यही था ना, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात गो है, टी और पी के बीच में दो ठो कैरेक्टर, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर दो ठो देने के बाद तब अगर हम पी को यहाँ देते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात तो यही ना पुर गया, दो एक्स्ट्रा हो गया ना, यानी कि पी जो है टी के दाहिना बायां साइड तो नहीं जा सकता। चलिए इसका कहानी खत्म है, इसको हटा दिया, अब हम इसमें आ, अगर हम यहाँ देखते हैं टी और पी के बीच में दो, ये तो ठीक है, उसी का दूसरा हिस्सा बना सकते हैं हम, आर एस यहाँ पे टी यहाँ पे डब्ल्यू, तो टी और पी के बीच में दो ठो, एक और दो, और यहाँ पर पी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, जब दाया साइड दे सकते हो तो बाया साइड भी तो दे सकते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है इसमें, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ भी है। अब हमारे पास यहाँ तक क्लियर है, क्यू एस के बगल में बैठा है, क्यू जब भी बैठेगा एस के बगल में बैठेगा, तो यहाँ पर बताइए एक दो तीन चार पांच छह छह ठो है, क्यू और एस दोनों एक दूसरे के बगल में, तो यहाँ पर अगर देते हैं तब भी क्यू एस बगल में नहीं बैठेगा, यहाँ पर देते तब भी नहीं बैठेगा, इसमें तो जगह है नहीं, यानी कि ये वाला एडजस्टमेंट मेरे काम का नहीं रहा, चलिए इसका विदाई कर देते हैं, से पढ़ रहे थे क्यू और एस एक के, क्यू एस के बगल में बैठा है, क्यू जो है एस के बगल में बैठा है, तो क्यू और एस यहाँ पर बैठ सकता है या एस, तो देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात, सात को हो रहा है, प्रश्न में लिखा है एक जगह पर कि ना तो आर ना ही डब्ल्यू पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, चलिए ठीक है ये, और लिखा हुआ क्या एस आर या डब्ल्यू के बगल में नहीं बैठा, एस जो है आर या डब्ल्यू के बगल में नहीं बैठा, एस कभी भी यहाँ बैठेगा, इसका मतलब इसको हटाया जाए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सात को हो रहा है, कौन छोटा जी, भी छोटा, भी पर भर लगा दीजिए यहाँ पे, ये एडजस्टमेंट से हो गया, अब उसको भी देखते हैं, अभी गलत नहीं हुआ है, हो सकता है वो भी सही हो जाए, क्या था प्रश्न में, क्यू एस के बगल में बैठा है, तो क्यू एस के बगल में बैठा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कहाँ बैठाएंगे, दोनों ना है क्यू और एस दोनों ना, सात आठ ना हो जाएगा तब, यानी कि ये एडजस्टमेंट भी क्या गलत, ये हुआ हमारा पक्का एडजस्टमेंट, अब इसके हिसाब से क्वेश्चन बनाइए, सेवनटीन निम्नलिखित में से आर व टी के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है, आर व टी के ठीक बीच में कौन है, देख लीजिए टी फोर भान ऑप्शन हो जाएगा इसका, टी तीन नंबर ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18, पी व डब्ल्यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए मिलाइए जी, पी व डब्ल्यू के बीच में कितना व्यक्ति है, पी व डब्ल्यू के बीच में तीन व्यक्ति है, आंसर हो जाएगा इसका तीन, ऑप्शन हो जाएगा तीन नंबर, उन्नीस नंबर सवाल, क्यू के संबंध में टी का स्थान कौन सा है, बाएं को पहला बाएं को दूसरा, तो बाएं को दूसरा है लिखा हुआ, चार नंबर ऑप्शन में बाएं को दूसरा हो गया ये, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पंक्ति के दो अंतिम छोरों पर बैठे हुए व्यक्तियों को निरूपित करता है, पी और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन दो नंबर,
21 नंबर सवाल, दी गई व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आर के बाएं को दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, आर का बाया देख लीजिए एक ही व्यक्ति है, गलत। क्यू के दाएं बगल में ऐसे बैठा है, क्यू के दाएं बगल में ऐसे बैठा है, ये क्या हो गया? सही। डब्ल्यू और भी टी और पी के बीच में है, डब्ल्यू और भी जो है टी और पी के बीच में, देखिए तो गलत। एस के दाएं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, एस के दाएं ओर कोई नहीं बैठा है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन दो नंबर। ठीक है, ये एडजस्टमेंट लिख लिए हैं आप लोग, मिटा सकते हैं। बनाए थे जी 22 नंबर सवाल, देखने में खाली टफ है लेकिन इजी है। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में लिख रहा बाबू उन विद्यालय शिक्षकों की संख्या क्या है, उस विद्यालय शिक्षक का संख्या कितना है आपको ये बताना है जो शहर में रहते हैं, उन विद्यालय शिक्षक का संख्या कितना जो शहर में रहते हैं। ये हो गया बाबू विद्यालय शिक्षक है ना, और जो शहर में रहते हैं तो शहर में रहने के लिए शहरी क्षेत्र के रहने वाले लोग कौन आयत में ना है जी, आयते में ना है, तो शहर में रहते हैं उन विद्यालय शिक्षकों की संख्या जो शहर में रहते हैं, तो शहर में रहते हैं तो ये 21 और ये 6 खत्म हो गया, इस दोनों का गिनती तो हम नहीं ले सकते हैं, तो वो दोनों तो शहर से बाहर है। और जिनके दो बच्चे हैं, जिनके दो बच्चे हैं तो ये वाला आयत में होना चाहिए, यानी कि 24, 65, 37 ये सब नहीं होगा। किंतु जो ना तो विज्ञान विशेष स्नातक है ना ही महिला है, विज्ञान स्नातक की त्रिभुज में नहीं आना चाहिए, 38 गया, और महिला नहीं आना चाहिए, सर्कल में नहीं आना चाहिए, 51 भी गया, बचा कौन? आंसर क्या होगा, किसको किसको डाउट है इसमें? सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ जाएं। शहर में रहने वाली महिला विज्ञान स्नातक की संख्या कितनी है? शहर होना चाहिए, महिला होना चाहिए और विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। स्नातक विज्ञान स्नातक की संख्या क्या है जो विद्यालय शिक्षक है और जिनके दो बच्चे? अच्छा, दो सब है, विद्यालय शिक्षक भी होना चाहिए, दो तो बच्चा भी होना चाहिए। ठीक, चलिए मिलाते हैं, किसमें मैच कर रहा है इतना सारा क्राइटेरिया? शहर का लोग है जी, शहर में रहने वाला है, या आयत आ गया, यानी कि इधर वाला ये सब खत्म, इधर वाला ये सब खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या महिला होनी चाहिए? महिला है तो सर्कल में होनी चाहिए, सर्कल के अलावा जितना है सब खत्म। ठीक है, विज्ञान का स्नातक होना चाहिए, विज्ञान स्नातक किसमें है? ट्रायंगल में है, यानी कि 65 है, 51 भी खत्म। विद्यालय शिक्षक होना चाहिए, यानी कि ये वाला में होना, जिसमें इसमें कौन कौन है? दोनों है, 37 है, 38 है, दोनों है। देखिए और क्या, दो बच्चा का होना चाहिए, तो दो बच्चा वाला किसमें है? इस आयत में ना है, यानी कि 38 आ रहा, 37 नहीं हो रहा है, आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? 38। क्लियर सबको? 38 आंसर के लिए, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 38, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं समझे तो नहीं समझा दी, किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलिए आगे बढ़ते, 23 नंबर सवाल, यही वाला जो भाई 24 में,
केवल शहरी क्षेत्र में रहने वाले, केवल शहरी क्षेत्र शहर में रहने वाले गैर महिला, स्नातक विज्ञान स्नातक की कुल संख्या क्या है? इसका संख्या कितना है देखिए, शहर में रहना चाहिए, शहर में तो इतना है, गैर महिला होना चाहिए यानी कि महिला नहीं होनी चाहिए, तो महिला नहीं होना चाहिए तो ये खत्म है, सर्कल पूरा खत्म ना हो गया है। बचा कौन कौन? गैर महिला और शहर। तो शहर में तो बाबू 21 और 6 भी नहीं है, अब बच रहा हमारे पास 18, 24 और 65। विज्ञान स्नातक भी होना चाहिए, विज्ञान स्नातक में तो ये आ गया यानी कि 18 और 24 भी गया, 65 और 11 है, तो 65 और 11 में एक और चीज इसमें लिखा हुआ बाबू, केवल केवल शहरी, केवल शहरी ना, तो केवल शहरी जब लिखा हुआ है तो क्या हम 65 को लेंगे? हमारा आंसर क्या हो? 11 ऑप्शन हो जाएगा इसका। कौन है जी ऑप्शन हो जाएगा बुआ इसका? एक नंबर 11। कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर सबका? चलिए आगे बढ़िए। कमेंट वाला समय ये नहीं ना, वो मोबाइल ऐसे बसते ना, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, सब तो पर मैसेज आते ना। चलिए क्वेश्चन क्या है देखिए, किसानों को दी जा रही सहायताओं का दुरुपयोग देखा गया था और इसे संबंध प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया था। क्वेश्चन समझ आया नहीं? किसान को दी जा रही सहायता 6,000 रुपया सालाना मिलेगा और चाहिए, ठीक है 2,000 रुपये का 3 बार आता है तो तब फिर क्या चाहते हैं? और चाहते हैं और ले लीजिए, हमको क्या दिक्कत है? क्या किसान वाला बिल को तो 3 को घटा दिया ना, खाली घोषणा हाँ पारित जिस दिन होगा, एक्चुअल बात तो वहां ना है, नहीं तो नहीं काका के भी बहुत कुछ बताता है ना जी। आइए फिलहाल बाबू यहाँ पर किसानों को दी जा रही सहायताओं, बस लाया 6,000 रुपया महीना, मतलब 3-3 महीना पर 2,000, वही सिचुएशन। किसानों को दी जा रही सहायताओं का दुरुपयोग देखा गया था और वो जो सरकार जो उसको मदद करती है उसका दुरुपयोग हो रहा था, वो देखा गया कि हाँ भैया दुरुपयोग हो रहा है, इसे और इसे संबंध प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया और जो उससे संबंधित जो अधिकारी हैं उसके ध्यान में भी यह चीज लाया गया कि हाँ साहब देखिए किसान का जो मदद वाला जो राशि आता है उसका दुरुपयोग हो रहा है, यानी कि जाने का कहीं और चला कहीं और जाता है, ठीक है यही ना, 6,000 से ज्यादा तो मिलने वाला है नहीं, नहीं वो काट फट वो छोड़ दीजिए, हम अधिक का बात कर रहे हैं। दुरुपयोग का मतलब आप दो तरीके से सोच सकते हैं, सरपंच को मिलने वाला था 1,000 मिल रहा था, दुरुपयोग ही ना हुआ तो नहीं बाबू, 6,000 से ज्यादा तो मिलने वाला नहीं, कम का आप जितना अनुमान लगा सकते हैं वो आपका मन है, लेकिन 6,000 से अधिक तो नहीं मिलेगा। अब रहा कि अब इस प्रकार से अधिक तो मिल नहीं रहा, अधिक वाला टेंशन तो है नहीं, टेंशन अब क्या है कि जिसको जाना चाहिए था उसको न जा करके कहीं और चला जा रहा है,
तो दुरुपयोग न हो रहा है ये चीज। अब है इसमें तो नंबर एक है, सरकार को संबंध अधिकारियों को आवश्यक, संबंध अधिकारी जो से रिलेटेड है ऑफिसर जो है अधिकारी को आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन करते समय, जो आप डॉक्यूमेंट लेते हैं उसका जब सत्यापित करते हैं समय और सहायकी देते समय अधिक कड़ाई बरतने और सावधान रहने के आदेश देने चाहिए। यानी कि जब ऑफिसर उनको पैसा देंगे, चाहे जो सिस्टम हो पैसा देने का, अकाउंट में भेजते हो या फिर डीडी देते हो या फिर चेक देते हो, जो भी देते हो ठीक है, वो देते समय में आपको क्या करना, कड़ाई बरतना और सावधान रहना। तो सही बोला कि गलत बोला? बिल्कुल सही बोला। तो पहला वाला बिल्कुल सही, सहायकी का गलत दावा करने वालों के खिलाफ सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जो सहायकी का क्या करता है, दावा करता है ठीक है, सहायकी का गलत दावा करने वाले के खिलाफ, जब आप यहां पर बाबू गलत दावा कर रहे हैं तो अब बताइए उसमें क्या हो, तो उसके पीछे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सही की गलत, सही है, गलत काय कर रहे थे इसका। अच्छा ठीक है, कुछ और ही कर देंगे हम। हाँ बोलिए फिर से एक बार। हाँ तो बाबू ये जो दुरुपयोग कैसे होता है, एक भी एग्जांपल आप मुझे दे सकते हैं? सरकार पैसा भेज रही है, सरकार के कोष से पैसा तो निकल रहा है, खर्च तो हो रहा है, लेकिन उसका दुरुपयोग कैसे हो गया, आप ये जल्दी से बोलिए। आपको मिलना चाहिए था, मिल गया इसको, यही ना। इसका अर्थ है कि आपके नाम पर या किसी भी चीज पर दावा जाकर के ये किया तब ना इसको मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो किया होगा तो ऐसे ही इसको मिलने लगा। हो सकता आपसे अंगूठा ले लिया, हो सकता आपका आधार कार्ड ले लिया, डॉक्यूमेंट आपका चुरा लिया हो या जबरदस्ती ले ले रहे तो दे दो ना, फुसला बहला के भी ले लेता है क्या, हमरे अकाउंट में आ जाएगा तुमरो पैसा, टेंशन नहीं लो, जब आएगा तब निकाल के 2000 या हर बार दे देंगे, और उसके बाद उसके नाम पर रे 500 आया, ऐबे नहीं किया। तो बात समझ में आया, यही ना दुरुपयोग हुआ। जल्दी बोलिए तो बाबू, यहाँ जो है सहायकी का गलत दावा करने वाला, यानी कि मुझे पैसा मिलना चाहिए, डॉक्यूमेंट किसी और का, बात समझ में आया तो और कुछ बोले ठीक है, तो सही की गलत ठीक है, और किसी को कोई डाउट इसमें, क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर में आइए। मध्यम वर्ग के कॉलेज जाने वाले किशोर वर्ग के बच्चों में महंगे कपड़ों और सहायक वस्तुओं की आवश्यकता में वृद्धि होती जा रही है। क्या क्या चीज में वृद्धि हो रहा है, सहायक वस्तु में और महंगा कपड़ा में ठीक है, कि बाबू ह्यूमन नेचर, आपके साथ भी वही हुआ, जब मोटा मोटी मैट्रिक पास किए होंगे थोड़ा सा जो है पता नहीं, एक अलग ही जो है ना कपड़ा के प्रति, मुंह कान के प्रति जो है एक अलग ही प्रकार का आ जाता, उसके बाद जब पटना आ जाता है सब, तो लड़का से ज्यादा डेवलप लड़की हो जाती है। हम देखें याद से नहीं बोल रहे हैं, बहुत अच्छा से देखें इसलिए बोल रहे हैं ठीक है। अब गांव में शहर में चाहे जैसे भी रहती हो वो अपना है, यहाँ आने के बाद बाल का कलर बदल जाता है, मुंह का डिजाइन बदलने लगता है धीरे धीरे ठीक है, सबके साथ होता है। तो यहाँ पर क्या देखिए, महंगा कपड़ा और सहायक वस्तु की आवश्यकता में क्या होने लगता है, वृद्धि होने लगता है। तो नंबर एक, कॉलेजों को ड्रेस कोड लागू करना चाहिए। तो सबसे पहला सिचुएशन,
कि कॉलेज जाने वाले किशोर का बात हो रहा है ना, किसका बात हो रहा है, कॉलेज जाने वाले किशोर का बात हो रहा है। तो जब बाबू कॉलेज जाने वाले किशोरों का बात हो रहा है, युवा का बात हो रहा है, कि कॉलेज में वो ऐसा कर रहा है, ये बताइए हमको सबसे पहले। किशोर वैसा यानी कि वैसा बच्चा जो अब कॉलेज जाने के लिए तैयार है, तो हो सकता है, हम बोल रहे हैं कि हो सकता है वो कॉलेज जाने के उम्र में, जिस उम्र में वो कॉलेज जाने योग्य हो जाता है, तो वह हो सकता है कि कॉलेज वो ड्रेसे पहन के जाता हो, एक मतलब हम कह रहे हैं, और उसके बाद कॉलेज से निकलने के बाद रुतबा फिर अलग हो जाता है। आप उसको तो कॉलेज का प्रोफेसर, लेक्चरर, प्रिंसिपल कुछ कह तो नहीं सकता है क्या? स्कूल वो जाता है, कॉलेज वो जाता है ड्रेस के साथ, और उसके बाद जब घर आता है तो यहां पर फिर अलग सिस्टम से रहता है। क्योंकि इस कथन से यह क्लियर नहीं हो रहा है मध्यम वर्ग के कॉलेज, मध्यम वर्ग के कॉलेज जाने वाले किशोर वर्ग के बच्चों में महंगे कपड़े और सहायक वस्तु का आवश्यकता में वृद्धि होती जा रही है। तो यह वृद्धि जो होती जा रही है वह कॉलेज के कैंपस के अंदर वृद्धि हो रहा है कि कॉलेज के कैंपस के बाहर वृद्धि हो रहा है, क्या ये इस स्टेटमेंट से इस बारे में पता चल रहा है? बात समझ में आया? इसीलिए यहां जो यह बात लिख रहा है कि कॉलेजों को ड्रेस कोड लागू करना चाहिए, यह बिल्कुल ही क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि हमारे सेंटेंस से यह पता नहीं चल रहा है कि वह कॉलेज कैंपस के अंदर का बात कर रहा है कि कॉलेज कैंपस के बाहर का बात कर रहा है। क्लियर? या कोई डाउट है मन में, कुछ बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है सबका? कॉलेज के अंदर वो चल जाता हूं शरीफ बन के, उसके बाद गोविंदा का डांस वाला चमकीला कपड़ा पहन के निकलता हो बाहर, एक मतलब हम कह रहे हैं ऐसा भी हो सकता है। चलिए दूसरा, अन्य बहुत सी वस्तुओं के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों को परामर्श दिया जाना चाहिए। क्या चीज? अन्य बहुत सी वस्तुओं के महत्व पर जोर देते हुए कि तुमको जो कपड़ा और ये नया नया एक्सेसरीज ये जो भी है ये काम का चीज नहीं है, तुम इसे अच्छा दो किताब खरीद लो, ये खा लो, वो पी लो, मतलब एक मतलब करें कि उन अन्य बहुत सी वस्तुओं के महत्व पर, उन अलग अलग वस्तुओं का महत्व आपको उसको दर्शाना है, बताना पर जोर देते हुए बच्चों को परामर्श दिया जाना चाहिए। जबरदस्ती वाला बात नहीं हो रहा है, चला हुआ परामर्श हुआ, आपको मानना है मान्य, नहीं मानना है जय श्री राम, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? आप परामर्श तो दे ही सकते हैं, किसी को कुछ ना कुछ तो सिखा तो सकते ही, पहले वो सीखे चाहे नहीं सीखे उसका मन, क्लियर है? इसलिए ये बात क्या हो जाए, सही हो जाए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर है बाबू 27, क्या लिख रहा है इसमें देखिए, इसमें दे रहा एक मकान के ढहने पर 30 लोगों की मृत्यु हो गई, इससे इस इलाके के लोग उत्तेजित हो गए। मकान एक तो गिर गया, ढह गया, और 30 लोग क्या हुआ, मर गया, और इलाके लोग के लोग उत्तेजित हो गए, गुस्सा में आ जाएगा भाई, कोई भी आए एक आदमी मरता है तो गुस्सा हो जाता, 30 को मर गया बहुत बड़ा बात है। सरकार को प्रभावित परिवारों के लिए तुरंत मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए, सरकार को घोषणा करना चाहिए, सही बोला कि गलत बोला? सही बोला, कोई डाउट नहीं है। उपयुक्त सामग्री में समझौता करने वाले बिल्डरों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करी कार्रवाई करनी चाहिए। उपयुक्त सॉरी प्रयुक्त सामग्री यानी कि सीमेंट, बालू, छर, गिट्टी, ईट, मिट्टी जो भी है, समझौता कर लिया, माइनस कर लो तो 10 कितना चलता है जी मसाला का, 4 एक की 6 एक 5 एक 6 एक चलना चाहिए, 5 टीना बालू है, 1 टीना सीमेंट, और उसको वो बना देगा गायक 15 वाला, 15 एक तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है? तो यह वही है कि सरकार प्रयुक्त सामग्री में समझौता करने वाले बिल्डरों के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, सही बोला कि गलत बोला?
गलत है ये। अब आपका कहना है कि सर गलत कैसे है, मतलब बचपन में खुद कृष्ण भगवान बनाइए, अब बड़ा होने के बाद जब कृष्ण लीला शुरू करे तो फिर माँ बाप को दिक्कत, कृष्ण भगवान वाला ड्रेस राधा वाला ड्रेस पहना पहना के लेकर के जा रहे हैं, तो कृष्ण भगवान बना करके और राधा जी बना करके लेकर के जा रहे हैं, बड़ा बढ़िया बात है। दिक्कत तो तब हो जाता है जब वही बच्चा कल बड़ा होगा और कृष्ण भगवान वाला गुण ला करके यदि गोपियों के बीच चला गया तो वही जो है फिर माँ पिताजी लाठी लेके दौड़ने लगता है, मतलब बचपन में खुद कृष्ण भगवान बनाइए, अब बड़ा होने के बाद जब कृष्ण लीला शुरू करे तो फिर माँ बाप को दिक्कत। तो एक मकान के ढाने पर 30 लोगों की मृत्यु हो गई, इससे एक इलाके के लोग उत्तेजित हो गए, ठीक है, मकान ढह गया, किस कारण से ढहा, सबसे पहला ये बात तो गलत कर दिए थे ना जी, सही किए थे, सही किए थे, मुआवजा देने वाला बात, चलिए मुआवजा तो उसको मिल गया। दूसरा वाला बात है कि प्रयुक्त सामग्री में समझौते करने बाबू ठीक है, क्या चीज के कारण हुआ सबसे पहले ये तो देखना है हमको, हो सकता है कि पहाड़ी इलाके में मकान हो, पहाड़े टूट के गिर गया मकान पे, क्या कर सकता आदमी उसमें, बात समझ में आया, हो सकता है कि इतना जोर से सुनामी आया समुद्र किनारे में घरता, समुद्र आया लेके चल गया, कार 14-14 मंजिल 15-15 मंजिल पर कार पाया गया है लटका हुआ, जब आया था सुनामी, जानते हैं आप लोग नहीं जानते, कोई बात नहीं छोड़ दीजिए, अभी आइए हम ऐसे टाइम ज्यादा हो गया नहीं, सुनामी आया हुआ है ठीक है, और उसमें कार सब जो है 15-15 मंजिल पर लटका हुआ था, प्रयुक्त सामग्री में समझौता करने वाले बिल्डरों के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, किस बेसिस पर, वो हमारे पास जानकारी उतना दिया हुआ नहीं है, हो सकता है कि भूकंप आया हो मकान खत्म, ठीक है, आया तो किस कारण से हम इसको कहें यह क्लियर नहीं है, इसीलिए यह बाबू गलत, क्लियर समझ में आ गया, डायरेक्ट हम यहां पर जो है बिल्डर को दोषी नहीं दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि किस रीजन से एक मकान के ढहने पर 30 लोगों की मृत्यु हो गई, मकान ढह गया, क्यों ढहा मकान, ये क्लियर नहीं है, इसीलिए बाबू गलत, ठीक है आगे बढ़े। सर एक मिनट, और बिल्डर की जगह इंजीनियर होता तब क्या इसको सही कर सकते हैं, कभी नहीं, कोई रहेगा तो, क्योंकि आपदा में आप क्या करिएगा, अब आप कहेंगे सर भूकंप रोधी मकान बनाया जाना चाहिए, ठीक है एकदम मानते हैं, पहाड़ रोधी बना लिख सकते हैं, बस एक तो एग्जाम्पल सुन रहे हैं, पहाड़ रोधी या वर्षा रोधी सुनामी रोधी कुछ भी ऐसा, आपदा तो किसी भी रूप में आ सकता है ना, क्योंकि मकान ढह गया ये बात सही है, लेकिन किस कारण से ढहा, कि अपने आप गिर गया मकान, ऐसा भी हो सकता है, अगर अपने आप गिर गया तब तो बिल्डर का दोषी है, तब तो इंजीनियर का दोषी है, लेकिन किस रीजन से ढहा ये क्लियर नहीं, ठीक है चलिए आगे 28 नंबर में आइए। अधिक संख्या में विद्यार्थियों द्वारा SSC परीक्षा पास, SSC मतलब ही GD का परीक्षा का बात मत कर लीजिए, SSC GD SSC CGL ये वाला बात नहीं हो रहा है, ठीक है, SSC परीक्षा पास करने के परिणाम स्वरूप बच्चे निराश हो गए, ठीक है बच्चा क्या हुआ निराश हो गया, क्या चीज थे निराश, परीक्षा पास करने के परिणाम स्वरूप बच्चे निराश हो गए, क्या चीज के कारण, अधिक संख्या में विद्यार्थी जो पास कर गया इसीलिए निराश हो रहा, क्या निराशा है, क्योंकि उन्हें अपने पसंद के कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिल पाया, इसीलिए जो बच्चा क्या हो गया बाबू निराश हो गया, बच्चा क्यों निराश हो रहा, क्योंकि उसको चलिए मान लीजिए पटना कॉलेज में एडमिशन लेना था और पटना कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है इसीलिए बच्चा क्या हो रहा निराश हो रहा। तो नंबर एक,
सरकार को कॉलेजों को सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति देनी चाहिए। क्यों क्यों देना चाहिए? क्योंकि नहीं नहीं सीट कम वाला बात नहीं है, परीक्षा में विद्यार्थी अधिक पास किया, इसका मतलब विद्यार्थी अच्छा से पढ़ रहा है, चीट चिटारा वाला काम नहीं हो रहा है, सब बहुत अच्छा से पढ़ रहा है, इसीलिए अच्छा अच्छा नंबर से पास कर रहा है। कॉलेज का संख्या कम हो गया या सीट का संख्या कम हो गया, ठीक है, तो उसको सरकार को कॉलेज को सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति देनी चाहिए। सही की गलत? सही बोला। बच्चों और उनके माता पिता को कॉलेज की पसंदगी में फ्लेक्सिबल होने की सलाह देनी चाहिए। अगर मान लो साइंस कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, मगध यूनिवर्सिटी में भी अच्छा अच्छा कॉलेज है, वहीं पे एडमिशन करा लो, क्या करेगा, ठीक है। तो सही बोला कि गलत बोला? बिल्कुल ही सही बोला। ऐसा तो नहीं है नहीं हुआ इस बार एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में तो हम जेएनयू भी नहीं जाएंगे, क्या जेएनयू में एडमिशन नहीं हो पाया तो डीयू नहीं जाएंगे, ऐसा बात तो नहीं होना चाहिए ना, उनको साल तो नहीं ना खराब करना है। इसीलिए पहला और दूसरा दोनों का दोनों इसका क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, लचीलापन, ये नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, ज्यादा और भी नहीं होना चाहिए, जिंदगी में वो भी बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। 30 बच्चों की एक पंक्ति में पीएम के दाएं पांच बच्चे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। एक बात याद आया, आज जो बाबू 6:15 डेली तो 6:45 से चलता था, कल से शुरू किए थे, ये छुट्टी कुट्टी के कारण जो है बंद हुआ था, अब 6:15 से रेगुलर शाम में क्लास चलेगा यूट्यूब पर, ठीक है, 6:15 से रीजनिंग का। और उसमें जो वो तो सब्सक्राइब तो करवाए करते हैं, उसमें जो है क्या होना है, आज से कंटिन्यू एनटीपीसी 2020-21 में जो एग्जाम हुआ है उसका रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे एकदम कंप्लीट, पीडीएफ वहां डालेंगे, पीडीएफ सब रहेगा, जीके जीएस वाला भी उसमें रहेगा, क्वेश्चन मैथो वाला रहेगा, लेकिन हम सॉल्यूशन कराएंगे खाली रीजनिंग का। बहुत ज्यादा कहिएगा तो हरा टिक देख करके जो उसमें आंसर है उबला बोल देंगे मैथ का, जीके जीएस का और क्या, ठीक है। चलिए, 30 बच्चों के एक पंक्ति में पी एम के दाएं पांचवा है, पी जो है एम के दाएं कितना है पांचवा है, जो पंक्ति के दाएं से 18वां, जो पंक्ति के दाएं, तो जो का मतलब एम, एम कहां पर है, पंक्ति के दाएं से 18, तो दाएं से 18 है, उसके दाएं ये 5 है पी, तो दाएं से 13 हुआ कि नहीं हुआ, कोई डाउट, क्लियर है। अब जब ये दाएं से 13 हुआ तो पंक्ति के बाएं से पी का स्थान क्या है, कितना बच्चा में, तो 30 बच्चा में, 30 - 1 = 13 - 1 = 12, और 12 में कितना जोड़ दीजिएगा कि बाबू 30 हो जाए, 18 जोड़ देंगे तो 30 हो जाए, आंसर होगा इसका क्या चीज, 18वां, ऑप्शन ही नहीं दिला, ये हमारा गलती नहीं है, हम यहाँ चुप रहो, हम यहाँ एक तो ऑप्शन ठीक करके दिए थे, हमारा टाइपिंग वाला गड़बड़ाया है, लिख लीजिए बाबू यहाँ 18, 19वां को काटिए, 18वां कर लीजिए, ठीक है, 18 कर लीजिए उसको, क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा काला से एग्जाम मिलेगा, गलती रहेगा का, हमारा टाइपिंग वाला गलती क्या, हम दिखा दो तुरा इसमें, एग्जाम में आए यहाँ पर रहेगा तब इनमें से कोई नहीं, और क्या इतना सारा नहीं ना होगा इनमें से कोई नहीं आंसर निर्धारित, या सारे आंसर होगा, जो गलत है वो गलत है, कोई उपाय नहीं है इसका। चलिए आगे बढ़िया, बता दें क्वेश्चन नंबर 30 क्या लिखा है, JOYRIDORE ZPKQDCORH यही है। अब आप देख लीजिए जे और के, ओ और पी, वाई और जेड सब में प्लस वन हुआ, आई और एच माइनस
वन ई डी माइनस वन डी सी माइनस वन आर क्यू माइनस वन, इधर सब में प्लस वन, यहाँ भी माइनस वन, इधर सब में भी क्या माइनस वन किया गया है। और इस तरीके से आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन इसका चार नंबर ऑप्शन डी।